हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में जो मैच होगा, यानी PBKS वर्सेस GT ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्रीम 11 के सिमिलर कौन सी एप्लीकेशन है जिसपे आप खेल सकते हैं कम कमीशन के साथ, साथ ही साथ आप किस टाइप से टीम बना सकते हैं, पंजाब किंग्स के किन प्लेयर्स को आपको लेना है, साथ साथ गुजरात टाइटंस के किन प्लेयर्स को लेना है और टाटा IPL 2020 आपका अच्छा जाए इसके लिए बेहतरीन स्टैट्स आपके लिए प्रिपेयर करें हैं इस मैच के रिगार्डिंग। तो PBKS वर्सेस GT का ये मुकाबला है। सबसे पहले हम कुछ प्रेडिक्शंस देख लेते हैं जो इस मैच में देखने को मिल सकते हैं। जैसे रिद्धिमान साहा जो है, ये कम से कम मेरे हिसाब से 30 के अंदर आउट होने चाहिए जिस आपका अपोनेंट टीम का बॉलिंग है उस हिसाब से। शुभमन गिल जो है ये 26 के ऊपर स्कोर करने चाहिए, हार्दिक पांड्या को 26 के ऊपर स्कोरिंग करनी चाहिए, राशिद खान कम से कम एक विकेट लेके जाने चाहिए सेकंड बॉलिंग के केस में, राशिद एक से ज्यादा विकेट भी ले सकते हैं, शिखर धवन को कम से कम 26 से ऊपर स्कोर करना चाहिए, रबाडा की अगर हम बात करें तो इनको फर्स्ट बॉलिंग के केस में कम से कम 2 विकेटें मिलनी चाहिए, डेविड मिलर की बात करें जिस टाइम का इनका फॉर्म चल रहा है स्मॉल लीग टीम में तो ले ही सकते हैं, हिटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, कम से कम 1 6 की गुंजाइश मैं इनसे कर रहा हूं, अजदीप सिंह डेथ में बॉलिंग करते हैं 4 ओवर कंप्लीट करते हैं फर्स्ट बॉलिंग के केस में, ये भी मिनिमम 1 विकेट लेके जा सकते हैं, लिविंगस्टन को कम से कम 1 छक्का लगाना चाहिए और राजपक्षा जिस हिसाब से अटैकिंग बैटिंग करते हैं इनको भी कम से कम 1 छक्का लगाना चाहिए। अब पूरे मैच में मैं आपको बता दूं, डेविड मिलर, लिविंगस्टन, राजपक्षा, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा सिक्सेस लगा सकते हैं, तभी मैं इनके बारे में बोल रहा हूं कम से कम 1 6 तो ये लगा ही सकते हैं। ये है FX predictions। अब मैच डिटेल्स की बात करते हैं, गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स, मैच नंबर 48 ऑफ IPL 2022, वेन्यू डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई, डेट एंड टाइम की बात करें तो 3rd of May 7:30 PM IST को ये मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां पे आप इजीली पढ़ सकते हैं, इन द लास्ट 3 out of 5 मैचेस द टीम बैटिंग फर्स्ट हैज मैनेज टू स्कोर लेस देन 160 रन, द सरफेस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन बैलेंस थ्रू आउट द मैच, द टीम विनिंग द टॉस माइट नॉट लुक टू बैट एंड पुट अ ह्यूज टोटल ऑन द बोर्ड। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, इस वेन्यू पे अगर आप पिछले 5 मैच उठा के देखेंगे तो मोस्टली क्या रेंज मिलेगी, 155 से 160 की, 155 से 160 रन आपको बहुत बार बनते दिखेंगे और साथ ही साथ स्पिनर्स को बहुत ही कम विकेट मिलते हैं, मेनली यहां पे पेसर्स यानी तेज गेंदबाज जो है वो अच्छा करके जाते हैं। तो GT वर्सेस PBKS ड्रीम 11 प्रेडिक्शन शुरू करते हैं और बात करते हैं सम टॉप स्टैट्स इन IPL 2022। अगर हम बात करें इस मैच में, यानी कि इस मैच में कौन से प्लेयर अच्छा कर सकते हैं, तो हमें इस वेन्यू की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, इस वेन्यू पे कौन से प्लेयर्स पहले खेल चुके हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। तो कुछ प्लेयर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे कि वेन्यू स्टैट पहले आप देख लेते हैं। वेन्यू पे हार्दिक पांड्या इस वेन्यू पे देखिए 68 रन प्रति मैच का परफॉर्मेंस देते हैं, भले उनके 2 मैचेस खराब गए हों बट इस वेन्यू पे जब जब खेलते हैं 68 रन प्रति मैच की परफॉर्मेंस आती है, तो आप समझ सकते हैं कितने बढ़िया प्लेयर इस वेन्यू पे हार्दिक पांड्या होते हैं। डेविड मिलर 23 रन प्रति मैच के हिसाब से इन्होंने 3 मैच में रन बनाए हैं। फिर देखिए लिविंगस्टन ने 39 रन प्रति मैच बनाए हैं 2 मैच में, ठीक है। शिखर धवन तकरीबन 25 रन प्रति मैच बनाए हैं 2 मैच में, तो यहां पे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या का है, लिविंगस्टन का है, फिर शिखर धवन, फिर डेविड मिलर। बॉलर्स में यहां पे वाई दयाल ने 2.5 विकेट्स पर मैच निकाली है, फर्गंसन ने 1.3 विकेट्स पर मैच निकाली, राहुल चहर ने 1.5 विकेट पर मैच निकाली है और रबाडा ने 1 विकेट पर मैच निकाली, क्योंकि इन्होंने यहां पे 1 ही मैच खेला है, बाकी सब देखिए अच्छे खासे मैच खेल के यहां पे एक्सपीरियंस अर्न कर चुके हैं। अब इस IPL में अगर हम बात करें, IPL 2022 में कौन से प्लेयर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रन स्कोर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट आपको दे रहे हैं, ताकि आप फैंटेसी क्रिकेट की लाजवाब टीम बना सकें, ना केवल ड्रीम 11 पे, फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे जो आपको कम कमीशन पे गेम्स को खिलाती है। सो गाइस देखिए, डेविड मिलर ने 276 रन अभी तक बनाए हैं जिसमें से 439 फैंटेसी पॉइंट ये बना चुके हैं। शुभमन गिल का देखिए 260 रन अभी तक बना चुके हैं, 417 फैंटेसी पॉइंट इनके हो गए। शिखर धवन अभी तक इस सीजन में 307 रन बना चुके हैं अपने टीम के लिए, 451 फैंटेसी पॉइंट। मयंक अग्रवाल मात्र 161 रन है और 301 फैंटेसी पॉइंट है। तो यहां पे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है शिखर धवन का, शिखर धवन 300 का मार्क क्रॉस कर चुके हैं अभी तक, और शुभमन गिल भी और डेविड मिलर भी इवन बहुत अच्छा कर रहे हैं इस साल। तो ये 2-3 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स में, तो हार्दिक पांड्या 308 रन अभी तक बना चुके हैं, 4 विकेट ले चुके हैं, 562 फैंटेसी पॉइंट है। राहुल तेवतिया 179 रन एंड 0 विकेट, 297 फैंटेसी पॉइंट अभी तक दे चुके हैं। लिविंगस्टन 263, ओडनेस में 51। तो स्टैट्स वगैरह आप देख लीजिए, ओडनेस में अगर खेलते हैं तो ये काफी विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर होते हैं, हालांकि पिटाई काफी इनकी होती है बट विकेट निकाल के देते हैं।
आगे चलते हैं, बात करते हैं बॉलर्स की। तो बॉलर्स में मोहम्मद शमी अभी तक अपनी टीम के लिए 14 विकेट लेके जा चुके हैं। राशिद खान ने अपनी टीम के लिए 9 विकेट निकाली हैं। कगिसो रबाडा ने 13 विकेटें और राहुल चहर ने 12 विकेटें अभी तक निकाली हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में रिद्धिमान साहा अभी तक 133 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए, 228 फैंटेसी पॉइंट भी दे चुके हैं। विकेट कीपर बैट्समैन इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की, जिसमें आप देखेंगे T20 डोमेस्टिक लेवल पे क्या हुआ है। बैटिंग फर्स्ट टीम ने 13 मैचेस जीते, वहीं बैटिंग सेकंड ने 18 जीते। 157 का एवरेज स्कोर है और आमतौर पे यही बन रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोरिंग जो है 150 से 170 के बीच में ज्यादातर होती है और बहुत टाइम 150 के नीचे भी जाती है, बट 190 के ऊपर बहुत कम जाती है। वेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करें तो टॉप 5 हाईएस्ट स्कोर और टॉप 5 हाईएस्ट चेजेस आप यहां पे देख सकते हैं, जिसमें इसी साल काफी रिकॉर्ड टूटे हैं, जिसमें सीएसके का 216, आरसीबी का 205, आरआर का 193 और जीटी का 192 पहले से यहां पे बन चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी मैचेस जो इस वेन्यू पे खेले गए। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोस्टली स्कोरिंग जो है 150 से 160 के आसपास होती है। और ये भी देखिए कि स्पिनर को 4 विकेटें मिली थी आखिरी मैच में, 7 विकेटें जो है तेज गेंदबाज यानी कि पेसर्स लेके गए थे। उसके पहले वाले मैच में भी 150 से 160 के आसपास स्कोरिंग हुई थी और 2 विकेट स्पिनर, 15 विकेट पेसर्स लेके गए थे। उससे भी पहले वाले मैच में 155 से 160 की स्कोरिंग हुई थी, वही कॉमन स्कोरिंग हो रही, एक बैलेंस विकेट जैसा, ठीक है। बहुत ज्यादा रन से यहाँ पे नहीं बनते और स्पिन पेस का रेशियो वही है, पेसर्स डोमिनेट कर रहे हैं हर जगह। पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाली है स्पिनर्स के मुकाबले, स्पिनर 2 निकालता है, पेसर 12 निकाल देता है। तो आप समझ सकते हैं स्पिनर्स के लिए वेन्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पेसर्स के पर्सपेक्टिव से है, और ये सारे के सारे वेन्यूज पे यही हो रहा है मोस्टली। अगर आप डीवाई पाटिल में यहां पे देखेंगे तो यहां पे तो पेसर्स ने बहुत अच्छा कर रखा है, स्पिनर की ज्यादा नहीं चलती और स्कोरिंग भी देखेंगे तो 150 160 155 यही बनता है, ठीक है। 150 से 160 रेंज पकड़ लीजिए, यही इस मैच में घटित हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। अब आईपीएल 2022 में पॉइंट्स टेबल में क्या चल रहा है, गुजरात टाइटंस फर्स्ट रैंक पे है, पंजाब किंग्स सेवंथ रैंक पे है। हेड टू हेड में देखिए इन दोनों टीमों ने इस साल एक मुकाबला खेला है जिसको गुजरात टाइटंस जीत गई थी, और अगर हम बात करें उस मैच की तो उसको बैटिंग सेकंड करते हुए जीटी ने विन किया था, ठीक है। आखिरी हेड टू हेड मुकाबला भी मैं आपको दिखा दूंगा स्कोर कार्ड उसका। रिसेंट फॉर्म देखें तो गुजरात अपने लगभग हर मैच को जीत रही है, या तो हार्दिक पंड्या परफॉर्म करते हैं वरना नीचे से राहुल तेवतिया है, डेविड मिलर है, राशिद खान है, इनकी इन डेप्थ बैटिंग बहुत अच्छी है जिसके चलते लगातार मैचेस को विन कर रहे हैं। ये इनके आखिरी मैचेस हैं जिसमें पंजाब किंग्स की स्कोरिंग आप यहां पे देख सकते हैं और जीटी की स्कोरिंग तो बहुत ही ज्यादा है, कई बार स्कोरिंग देखिए 160 170 के ऊपर ही गई, इनकी तो 115 150 133 के आसपास भी गई है, बट इनका स्कोरिंग तो बहुत हाई है। तो गुजरात का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है इस आईपीएल 2022 में। लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो उसमें देखिए मैच डेट 8 अप्रैल 2022 पंजाब किंग्स ने 189 बनाया था, गुजरात ने उसको चेस किया था और जीटी ने उस मैच को 6 विकेट से विन कर लिया था। काफी इंटरेस्टिंग मैच था, अगर आप स्कोर कार्ड देख ले तो समझ जाएंगे क्या मैच हुआ था। अब देखिए प्लेयर बैटल की बात करते हैं, यानी कि कुछ प्लेयर के मैचअप्स देखेंगे और पीबीकेएस वर्सेस जीटी प्लेयर मैचअप्स आपके सामने हैं। शुभमन गिल वर्सेस पीबीकेएस बॉलर्स, यानी शुभमन गिल वर्सेस पंजाब किंग्स के बॉलर्स की अगर हम बात करें तो उसमें रबाडा ने शुभमन गिल की 2 बार विकेट ली है, राहुल चहर ने शुभमन गिल की 2 बार विकेट ली है, अर्शदीप सिंह ने 1 बार विकेट ली है। तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि रबाडा काफी इफेक्टिव है शुभमन गिल के सामने। राहुल चहर ने तो फिर भी रन्स लीक करे, बट रबाडा ने बिना रन्स लीक किए शुभमन गिल का 2 बार विकेट निकाला है, जिसके चलते रबाडा इस मैच में अच्छा कर सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग में अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट भी मिल जाए। हार्दिक पंड्या के खिलाफ रबाडा ने 1 बार विकेट निकाला बट काफी रन्स खाए हैं, अर्शदीप ने हार्दिक का 1 बार विकेट निकाला है और संदीप शर्मा ने भी हार्दिक पंड्या का 1 बार विकेट निकाला है। इसके बाद हम बात करते हैं रिद्धिमान साहा की, रबाडा ने इनका 1 बार विकेट निकाला, बाकी बॉलर्स कुछ खास नहीं कर पाए, इन्होंने ज्यादा खेला भी नहीं है। इसके बाद राहुल तेवतिया की बात करें तो कगिसो रबाडा इनका 2 बार विकेट निकाल चुके हैं, मे बी पॉसिबल इस बार भी इनका विकेट राहुल तेवतिया का रबाडा लेके जा सकते हैं, उनको ये फेस नहीं कर पाते। डेविड मिलर की बात करें तो संदीप शर्मा ने इनका 1 बार विकेट निकाला है और बेनी हॉवेल रबाडा की काफी बॉल्स फेस करी, उस पर इनका विकेट नहीं गिरा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और मैचअप्स की, कुछ और प्लेयर बैटल्स की। शिखर धवन वर्सेज गुजरात टाइटंस बॉलर्स, क्या मैचअप्स है। शिखर धवन वर्सेज मोहम्मद शामी 68 बॉलों में 108 रन, कभी विकेट ही नहीं दिया। जयंत यादव 46-54 1 विकेट। राशिद खान का काफी अमेजिंग स्टैट है, राशिद खान वर्सेस शिखर धवन देखेंगे तो 44 बॉल्स में 41 रन्स है और 4 टाइम विकेट लिया है इन्होंने इनका, यानी 4 टाइम विकेट टेक किया है राशिद खान ने शिखर धवन का। इसके बाद हार्दिक पंड्या ने शिखर धवन का 1 बार विकेट लिया और राशिद खान यहां लिविंगस्टन का 4 बार विकेट ले चुके, बट लिविंगस्टन ने पिटाई भी काफी करी, ये चीज भी नोटिस करना है, और शिखर धवन वहां पिटाई नहीं कर पाए, इनकी विकेट ली हुई है। तो ये 4 और ये 4 में फर्क है, शिखर धवन ज्यादा नहीं खेल पाते राशिद खान के सामने, लिविंगस्टन अच्छे से खेलते हैं बट इन्होंने भी विकेट इवनली दिया है। फर्गंसन इनका 1 बार विकेट लेके गए हैं लिविंगस्टन का। आगे देख लेते हैं
मयंक अग्रवाल जो कि ओपन करेंगे टीम से। राशिद खान इनका एक बार विकेट ले चुके हैं, एक बार तेवतिया, बाकी प्लेयर्स को उन्होंने अपना विकेट नहीं दिया, ज्यादा खेला भी नहीं है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की। ठीक है, गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या होगी, तो वही सेम होनी चाहिए। रिद्धिमान साहा विकेट कीपर बैट्समैन, ओपन करने चाहिए शुभमन गिल के साथ। नंबर 3 पे साई किशोर, नंबर 4 पे हार्दिक पंड्या, नंबर 5 पे डेविड मिलर, फिर इनके पास राहुल तेवतिया है, फिर इनके पास राशिद खान है, अलजरी जोसेफ है, लॉकी फर्गंसन है, शमी है और सांगवान है। सांगवान ने पिछले मैच में 2 काफी बढ़िया विकेट निकाले थे पावर प्लेज में, तो सांगवान को भी कम मत आंकिएगा, काफी अच्छे प्लेयर है। ठीक है, सो गाइस इसमें अगर आपको स्मॉल लीग की टीम में पिक करना हो प्लेयर्स को, तो शुभमन गिल एक अच्छे पिक होंगे, बट इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा रबाडा के सामने बस खराब है। ठीक है, हार्दिक पंड्या इस वेन्यू पे अच्छा करते हैं, प्लस मिलर का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये 3 बैट्समैन से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है। और डाउन द ऑर्डर से तेवतिया और राहुल राशिद खान भी लगातार टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। रिद्धिमान साहा का उतना भरोसा नहीं करा जा सकता, बट इस साल उनके परफॉर्मेंस भी ठीक है। ओवरऑल गुजरात की टीम बैटिंग बॉलिंग एंड से काफी मजबूत दिख रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रिद्धिमान साहा ने आखिरी 3 मैच में क्या किया, 29, 68, 25, तो आखिरी 3 मैच में स्कोरिंग मिनिमम 25, मैक्सिमम 68 रही, तो उस हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। हेड टू हेड देखें तो 31-28-6 का इनका हेड टू हेड है, यानी ये अच्छा कर सकते हैं। शुभमन गिल की बात करें तो लास्ट टाइम 96 इन्होंने इसी टीम के खिलाफ लगाया था, बट इनका प्लेयर बैटल रबाडा के साथ चलता है, तो शुरुआत में अगर रबाडा को अच्छे से फेस करा तो शुभमन गिल बड़ी इनिंग खेलेंगे, अगर शुरुआत में फेस नहीं कर पाए तो अपना विकेट भी दे सकते हैं। साई सुदर्शन ने लास्ट टाइम इसी टीम के खिलाफ अपोजिशन टीम का 35 रन लगाए थे और हार्दिक पंड्या ने 27 रन लगाए थे इसी टीम के खिलाफ, जो कि इनका थोड़ा सा लो टोटल है, बट अगर आप देखें तो ओवरऑल हार्दिक पंड्या इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। उस मैच में देखिए अपोजिशन टीम के खिलाफ मिलर ने 6 लगाया था, जो लास्ट मैच खेला है इन्होंने अपोजिशन टीम पंजाब के खिलाफ, और इनकी रीसेंट फॉर्म देखें तो उसमें काफी अच्छा कर रहे हैं मिलर। राहुल तेवतिया लास्ट मैच में 43, उसके पहले 40 लगाया, और हेड टू हेड में देखें तो लास्ट टाइम 13-2-2, ये अपोजिशन टीम के खिलाफ इनका रिकॉर्ड है, और ऑल में आपको पूरी टीमों के खिलाफ दिख रहा है, आईपीएल की पूरी टीमों के खिलाफ इनका रिकॉर्ड ये है, रीसेंट ओल्डेस्ट, और अपोजिशन टीम यानी जो आज फेस करेगी पंजाब किंग्स उसके खिलाफ ये रिकॉर्ड है। राशिद खान का भी देख लीजिए क्या कुछ परफॉर्मेंस है अपोजिशन टीम के खिलाफ, लास्ट टाइम ये 3 विकेट लेके गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। प्रदीप सांगवान भी लास्ट टाइम अपोजिशन टीम के खिलाफ 1 विकेट ले गए थे, और प्रदीप सांगवान राशिद खान दोनों ही काफी बढ़िया फॉर्म में, सांगवान का फॉर्म तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे है, सो जो लोग इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ग्रैंड लीग्स में जरूर ट्राई कीजिए अपनी टीम में। आगे चलते हैं, आपके पास हैं अलजरी जोसेफ, लॉकी फर्गंसन, मोहम्मद शामी, जिनका अलजरी जोसेफ का काफी टीम यूज करने लगी है डेथ ओवर्स में। लॉकी फर्गंसन का रिकॉर्ड देख सकते हैं, शमी का रिकॉर्ड देख सकते हैं, शमी का हेड टू हेड कुछ खास नहीं है, लॉकी का फिर भी ठीक है। रीसेंट फॉर्म शमी का काफी अच्छा है, शुरुआत में 2 ओवर्स करते हैं, मिड ओवर्स में 13वें ओवर के आसपास एक आध ओवर, और 17वें-18वें ओवर में एक आध ओवर करते हैं। डेथ में भी बॉलिंग नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के टीम में लीजिएगा। डेथ में लॉकी और अलजरी ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं। बेंच स्ट्रेंथ आप इनकी देख सकते हैं, बेंच में कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है वो आप देख लीजिए, अगर इनमें से बाय चांस कोई प्लेयर खेल जाता है तो एटलीस्ट आपके पास स्टैट तो होना ही चाहिए, उस बेसिस पे फिर आप अपनी टीम में उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं और बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें आईपीएल 2020 में, तो मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे शिखर धवन के साथ, कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद जॉनी बेरिस्टो का भी 3 पे ये खिला रहे हैं, अच्छा भी करा लास्ट मैच में। फिर आते हैं इनके पास राजपक्षा, और फिर आते हैं लिविंगस्टन, उसके बाद इनके पास जितेश शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन, इसके बाद इनके पास जो है ऋषि धवन है, इसके बाद कगिस रबाडा है, राहुल चेर है, संदीप शर्मा और अर्शदीप सिंह है। इस साल अर्शदीप सिंह का बहुत अच्छा तो नहीं गया, बट डेथ में गेंदबाजी करते हैं, फर्स्ट बॉलिंग केस में 1-2 विकेट लेके जा सकते हैं। अगर हम बात करें ओपनर्स की, तो उसमें शिखर धवन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मयंक अग्रवाल थोड़े से अनकंसिस्टेंट है, बैरिस्टो भी थोड़े से अनकंसिस्टेंट है, राजपक्षा ने फिर भी इस साल अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, और लिविंगस्टन के भी परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक रहे हैं इस साल, ठीक है। इसके बाद इनकी अगर हम बॉलिंग की बात करें, तो मेन बॉलर इनके रबाडा होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बॉलर, और एक राहुल चेर, ये एक इंपॉर्टेंट बॉलर, बाकी बॉलर्स पे मैं उतना यकीन नहीं करता हूं, तो अगर आपको लेना हो तो यही 2 पे ज्यादा बिलीव कीजिएगा, ये 2 ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इन्हीं प्लेयर्स के बारे में। शिखर धवन का रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो आखिरी 4 मैच में सिर्फ 1 बड़ा स्कोर है, शुरुआत अच्छी हुई थी आईपीएल की, बट आखिरी 3-4 मैच से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अपोजिशन टीम के खिलाफ लास्ट टाइम 35 रन इन्होंने लगाए थे। वहीं हम मयंक अग्रवाल की बात करें, तो इनका भी फॉर्म कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा, अपोजिशन टीम के खिलाफ लास्ट टाइम 5 रन बनाए थे। जॉनी बेरिस्टो का रीसेंट फॉर्म देखें तो लास्ट मैच में अच्छी इनिंग खेली, बट उसके पहले 3-4 मैच बहुत खराब गए थे, हेड टू हेड भी थोड़ा सा खराब देखने को मिल रहा है। फिर आते हैं भानुकर राजपक्ष, जिनका ये आईपीएल काफी अच्छा गया, और पिछले 5 मैच में 3 बार स्कोरिंग इनकी 35
40 प्लस गई है, तो ये प्लेयर फिर भी थोड़ा सा ठीक खेल रहा है, इसको अपनी टीम में आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं लिविंगस्टन, जो 2-3 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बट पिछले 2-3 मैचेस से इनका फॉर्म भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, बीच में 2-3 स्कोर आए थे 60 प्लस के, तकरीबन 3 स्कोर, तो इनसे उम्मीद अच्छी रहेगी। हालांकि विकेट भी नहीं ले पा रहे, 1-2 ओवर बॉलिंग तो कर रहे बट विकेटें भी नहीं मिल रही, बट फिर भी चांस इनके पास काफी है कि हो सकता है 1-2 विकेट ले जाए और कुछ रन बना दें। इसके बाद जितेश शर्मा आते हैं, इसके बाद ऋषि धवन आते हैं, ऋषि धवन भी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी टीम इनका डेथ में यूज कर लेती है। जितेश शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन है, लास्ट टाइम 23 भी लगाए थे अपोजिशन टीम के खिलाफ। आगे हम बात कर लेते हैं कगिसुर अबाडा की, रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, अच्छा फॉर्म चल रहा है इनका और डेथ ओवर्स में प्रॉपर गेंदबाजी नहीं करते, लगभग 17वें-18वें ओवर तक इनका स्पेल खत्म हो जाता है। राहुल चेर का इवन टीम ने डेथ में यूज किया था पिछले मैच में और अर्शदीप सिंह का डेथ में यूज हुआ था, ठीक है। संदीप शर्मा की बात करें तो इनका फॉर्म भी यहां से आप देख सकते हैं। यहां पे अगर आप टीम में देखें तो एक राहुल चेर और एक कगिसुर अबाडा थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं बोलर्स के मुकाबले, बाकी बोलर्स के मुकाबले, ठीक है। यहां पे बेंच स्ट्रेंथ भी आप इस टीम की देख सकते हैं, बाय चांस कोई प्लेयर खेल जाता तो स्टैट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी स्टैट्स को देख लीजिए, मैं हट जाता हूं और आगे चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डेथ बॉलिंग की। पंजाब किंग्स की तरफ से डेथ बॉलर्स कौन होंगे? अर्शदीप सिंह ने लास्ट मैच में 20वां ओवर डाला था, उसके पहले रबाडा और उसके पहले चहर, तो ये चल रहा था क्रम थोड़ा सा। हालांकि रबाडा ने शायद 18वां डाला था, 19वां चहर डाल गए थे और 20वां अर्शदीप सिंह ने डाल दिया था। अर्शदीप सिंह इनके पास प्रॉपर डेथ गेंदबाज है, कगिसुर अबाडा भी डेथ में प्रॉपर नहीं कर रहे, असिस्ट कर रहे हैं और राहुल चेर को अभी डेथ में कुछ ओवर्स इनको मिल जाते हैं। आखिरी मैच में तो आई थिंक 15वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक इनको 2 ओवर मिल गए थे राहुल चेर को सेकंड बॉलिंग में, वो भी जो कि सेकंड बॉलिंग में ही अच्छा कर लेते हैं। जीटी की तरफ से आखिरी ओवर डाला था अल्जरी जोसेफ ने, 19वां ओवर लॉकी फर्गंसन ने और 18वां डाला था शमी ने। शमी जो है आमतौर पर 17वें-18वें ओवर तक अपना स्पेल खत्म कर दे रहे हैं, उसके बाद फर्गंसन जोसेफ को बॉलिंग मिल जाती है, तो इनके फर्स्ट बॉलिंग के केस में इनको ज्यादा फायदा होता है क्योंकि डेथ के आखिरी 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। जिन लोगों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे टॉप पे पिन भी है, जाके ज्वाइन कर लीजिए लिंक पे क्लिक करके। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई आपको आपका सवाल होता है फैंटेसी साइट से रिलेटेड, ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, ड्रीम इलेवन टीम्स वगैरह कुछ भी आपको चाहिए, आप डायरेक्ट जाइए इंस्टाग्राम पे और वहां पे हमें फॉलो कर लीजिए। आपको सिमिलर टीम्स दी जाएंगी फैन टू प्ले की और ड्रीम इलेवन सजेशंस भी आपको मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं फैन टू प्ले एप्लीकेशन की, जो सबसे कम कमीशन में इस टाइम पे आपको फैंटेसी का मजा दे रही है। अगर आप कंपेयर करें ड्रीम इलेवन और फैन टू प्ले को, तो ड्रीम इलेवन के मुकाबले फैन टू प्ले की एंट्री फी वाकई बहुत कम है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। दोनों साइट्स बहुत अच्छी हैं बट ये आपको कम कमीशन पे खिलाते हैं, तो इसका फायदा है। प्लस इनके लीडर बोर्ड काफी अच्छे होते हैं और टाइमली आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देते हैं फैन टू प्ले। फैन टू प्ले पे देखिए, अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आप वर्ल्ड कप देखने जा सकते हैं, फाइनल मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया में होगा उसको फ्री में देख सकते हैं, आपकी मैच टिकट्स आपको मिलेंगी फ्री में, फ्लाइट का खर्चा, आपकी होटल का खर्चा सब कुछ फैन टू प्ले बियर करेगी, ये एक बहुत अच्छी चीज फैन टू प्ले की है। तो अभी साइन अप कर लीजिए रेफर कोड एफएक्स लगा के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फैन टू प्ले एप्लीकेशन का, और एंजॉय कीजिए अपनी ट्रिप। इसके बाद हम बात करते हैं टीम्स की। मैंने कुछ टीम्स आपके लिए फॉर्म करी हैं, बट किस टीम के साथ मैं फाइनली जाऊंगा वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताऊंगा। मेरी टीम में देखिए, जो स्मॉल लीग की मैंने बेसिकली टीम बनाई है ये वाली, इसमें मैंने पिक करा है रिद्धिमान साह को, मैंने अपनी टीम में मयंक अग्रवाल, शेखर धवन, शुभमन गिल को लिया है, एक और बहुत अच्छे ऑप्शन है डेविड मिलर, उनको चाहे तो बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा टीम में, इस टाइम पे बहुत ही अच्छे फॉर्म में है मिलर। इसके बाद मैंने लिविंगस्टन और हार्दिक पांड्या को टीम में लिया है। लिविंगस्टन को इसलिए लेना पड़ता है, कभी कभी 1-2 ओवर बॉलिंग एक्स्ट्रा कर जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कमाल कर सकते हैं और बैट्समैन भी काफी अच्छे हैं। फिर मैंने बॉलिंग में राहुल चेर, कगिसुर अबाडा, शमी, लॉकी फर्गंसन, राशिद खान को लिया है। ये मेरी टीम स्मॉल लीग के लिए, बस इसमें अगर आप चाहें तो बस डेविड मिलर को ऐड अप कर सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन की, जिसमें मैंने जॉनी बेरेस्टो को ट्राई किया। बहुत कम मैचेस में चलते हैं, अपना विकेट जल्दी फेंक देते हैं, बट ओवरऑल काफी बढ़िया प्लेयर माने जाते हैं पावर प्लेज में खास करके, अगर इनको टीम ओपन करवाए तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे पिक करने के लिए। यहां पर भी रिद्धिमान साह है मेरे पास, बाकी वो सेम बैट्समैन है, सेम ऑलराउंडर्स है और बॉलर्स भी देखेंगे तो सेम ही है मेरे पास। बस एक चीज मैंने करा है, यहां पर मैंने पिक करे थे, यहां पर मैंने बैरिस्टो को पिक करा है, वहां यहां पे मैंने राहुल चेर को एक्स्ट्रा पिक करा है, ठीक है। राहुल चेर की जगह पे इस टीम में मैंने बैरिस्टो को पिक कर लिया। अगली टीम में मैंने क्या करा है, जो मैं आपसे बोल रहा हूं डेविड मिलर, इस टाइम पे बहुत अच्छे फॉर्म में कैरियर के, तो इनको भी मैंने एक टीम में सिलेक्ट कर लिया और बाकी टीम वही है। सिर्फ और सिर्फ मैंने तीनों टीमों में क्या चेंज करा, एक टीम में मेरे पास राहुल चेर आ गए, एक टीम में मेरे पास जॉनी बैरिस्टो आ गए और एक टीम में मेरे पास डेविड मिलर आ गए। बस ये कुछ चेंजेस मैंने टीम में करे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस टीम के साथ फाइनली जाएंगे, वो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। कप्तानी वाइज कप्तानी की जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस टाइम, तो शिखर धवन, हार्दिक पांड्या मुझे अच्छे लग रहे हैं, आप शुभमन गिल, लिविंगस्टन के साथ भी जा सकते हैं। और बॉलर्स में बात करें तो कगिसुर अबाडा एक अच्छा ऑप्शन है, एक लॉकी फर्गंसन फर्स्ट बॉलिंग में अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि डेथ ओवर्स में मेनली इनके ओवर्स पड़ जाते हैं। सो गाइस, अब वीडियो को हम करेंगे खत्म। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।